गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइन विद गीतू। सुबह सुबह का टाइम हो गया है तो बाबू निकल रहा है अपने स्कूल के लिए, हस्बैंड निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, और हिमांशु की तो मस्ती मजाक कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और ये देखिए, वो मुझे पोज बना करके दिखा रहा है कि मम्मा, जब अक्षय कुमार जब पोज देता है ना मीडिया वालों को, तो इस तरीके से वो पोज देता है। तो हस्बैंड भी निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए और बाबू भी निकल गया है अपने स्कूल के लिए। उनके निकल के बाद तो घर एकदम सूना सूना हो जाता है, तो मैं अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। आज मुझे बनानी थी पिज़्ज़ा सॉस वाली चटनी, तो काफ़ी मुझे हमें हमेशा ही बनाती हूँ इसी तरीके से, क्योंकि मैं अपने बेटे को बाहर का खाना नहीं खाने देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें बना करके अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, जब भी वो मांगता है तो फटाफट से मैं उसको बना करके दे देती हूँ। तो मैंने इधर ले लिए हैं 2 से 3 टमाटर, जितने भी आपको ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। तो इधर मैंने 3 टमाटर ले लिए, उनको मैंने 4 मतलब एक कट लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से पक जाए। इसमें मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दी है, लहसुन डाल दिया है, इनको मैंने पकाने के बाद में ठंडा कर लिया है। और आप देख ही सकते हैं एकदम से जो टमाटर की जो ऊपर की जो परत है वो एकदम से अपने आप से हटने लग गई है। इसको आसानी से जिस तरीके से हम आलू छीलते हैं ना, उसी तरीके से इसकी जो परत है वो आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए एकदम आराम से, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको हटाने में। और जो मैंने लहसुन और लाल मिर्च ली थी वो भी अच्छे से पक गई हैं, और उनको भी मैंने निकाल के मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, जिस तरीके से हम चटनी बनाते हैं ना उसी तरीके से पीस लेंगे। इसमें नमक वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम नेचुरल चटनी है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है। आप सभी के सामने मैंने बनाई है और आप इसे 2 से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपने बेटे के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ, जब भी वो पराठा वगैरह जैसे पिज्ज़ा वगैरह मुझे बनाना होता है घर में तो मैं बना देती हूँ। उसके बाद फिर मेरा दोपहर में पार्सल आ गया, जिसमें मैंने एक अपने लिए कुर्ता ऑर्डर किया था, जो कि काफ़ी पसंद भी आया है मुझे, और आप लोग भी देख लीजिए जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं हमेशा ऐसे ही शॉपिंग कर लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। तो ये देखिए मैंने कुर्ता ऑर्डर किया था, अब देखते हैं किस तरीके का कुर्ता निकलता है, कैसा है। वैसे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, कलर वाइज सब कुछ मुझे कॉटन का मंगाया है मैंने, और काफ़ी अच्छा है, कलर बिल्कुल हटके है, एकदम पर्पल कलर का ये मैंने मंगाया था, और ये मंगाया था मैंने सोपसी से, और काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये कुर्ता पसंद है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर आसानी से कर सकते हैं। इसके गले पे, हाथ और बाजू पे मतलब हल्की हल्की इसकी कढ़ाई थी और बॉर्डर भी था, अच्छा लगा मुझे काफ़ी पर्सनली। मैं आपको बोल सकती हूँ कुर्ते को देख करके कि हाँ, आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है, हल्की हल्की इसके ऊपर कढ़ाई भी है, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये इसके साथ में ये पजामा भी आया है, इसके साथ ट्राउज़र था, और इसके नीचे मोहरी पे हल्की हल्की कढ़ाई भी थी, ये भी कॉटन का ही है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। इसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, शाम को हस्बैंड आ गए थे, और शाम को हिमांशु तो आप जानते ही हैं मानता नहीं है वो, लेकिन मेरे से बिना पूछे उसने चुपके से अपने पापा को फ़ोन कर दिया। शाम के टाइम उसने समोसे मंगा लिए, मैं उसको बोल रही थी तू मानता नहीं है बाहर का खाए बिना, तो इसी तरीके से हमारी सबकी बातें चल रही थी। और टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता है, सुबह से शाम तक। और देखिए शाम का टाइम भी हो गया है, और शाम का टाइम इतना सुहाना हो जाता है, हल्की हल्की जो रोशनी आती है, लाइटें जल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम लगता है। और बस आज के वीडियो में आज इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं वो अपना एक्सपीरियंस मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।